तो प्रभाकर मिश्रा थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बना हुआ था। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, प्रियंका गांधी भी पहुंच सकती हैं। 5 बजे कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक है, उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, इस पर हमारी नज़र है। प्रभाकर मिश्रा, पहले प्रशांत देव ने इस बात का जिक्र किया, अब यहाँ पर रमन कुमार भी यही जिक्र कर रहे हैं कि गुजराती में लिखा हुआ था इसलिए उसको समझने में वक्त लग गया है। विपनेश, सवाल दोहराएं, सवाल नहीं आया आपका। प्रभाकर, सवाल ये है कि प्रशांत देव ने भी सबसे पहले ये बात कही कि जो कल सजा का ऐलान हुआ, जो कुछ भी बातें उसमें लिखी गई वो गुजराती में थी, कांग्रेस के नेता शायद इस वजह से नहीं समझ पाए, अब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। विपनेश, अगर मैं एक बात कहूँ, एक ऑब्जर्वर की हैसियत से जो कि मैंने देखा हुआ है, कि अगर आपको याद हो कि कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा थे, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची और पुलिस वहां पहुंची थी, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी चल रही थी, तब तब सुप्रीम कोर्ट में मामले को मेंशन कर दिया गया। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, उनके मामले में सूरत कोर्ट का फैसला आता है, 2 साल की सजा सुनाई जाती है और सबको पता है कि 2 साल की सजा सुनाए जाते ही अगर उनके कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगता है तो सदस्यता चली जाएगी। और कोई ये कहे कि दिल्ली में बैठा हुआ कोई ये कहे कि हमने अब मैं गुजराती में था, हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्या गुजरात में कांग्रेस में गुजरात के लोग नहीं है, कांग्रेस में गुजरात के वकील नहीं है, तो ये जो आर्गुमेंट लिया जा रहा है मैं नहीं मानता, पहली बात। दूसरी बात, एक और थोड़ा ज्ञान की बात मैं कर लेता हूं कि अगर ये बात होती कि मौजूदा लोकसभा सदस्यता चली जाती तो हो सकता कि पॉलिटिकली कांग्रेस इसका माइलेज लेने की कोशिश करती, राहुल गांधी इसका माइलेज लेने की कोशिश करते कि किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मामला केवल इस लोकसभा मौजूदा लोकसभा की सदस्यता जाने की नहीं है, मामला यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर तलवार लटक गई, और 2024 वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2029 में भी अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलती है इस दौरान तो राहुल गांधी 2029 का भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो प्रोविजन है उसके मुताबिक आज से अगले 2 साल तक वो सजा में रहेंगे, उनके खिलाफ सजा चलेगी, 2 साल की सजा हुई है यानी 2025 तक, और 2025 में जब इनकी सजा पूरी होगी उसके अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उस बीच लोकसभा चुनाव 2029 आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी तरह से रणनीतिक अब कहने के लिए कोई कहेंगे, लेकिन कोई पार्टी अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता को 2 लोकसभा चुनाव के लिए उनके चुनाव लड़ने पर ही सवाल खड़े हो रहे हो इस तरह मैं नहीं जानता। दूसरी बात, एक और रमन कुमार एक सवाल पूछ रहे थे, जो मेरी समझ है कि इस बीच अगर राहुल गांधी अपील में जाते हैं और अपील में जाने के बाद जो 2 साल की सजा है, या तो वो सजा रद्द हो जाती है, उनका एक्विटल हो जाता है, या 2 साल से सजा कम हो जाती है तो उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था भी है। तो मतलब ये कि उसके लिए उन्हें अपील में जाना है जो अभी तक नहीं गए हैं, और 2 विकल्प हैं उनके पास, पहले इस सदस्यता को रिस्टोर करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, वहाँ ये बात कहेंगे कि इसमें अतिरिक्त जल्दीबाजी दिखाई गई है लोकसभा सचिवालय के द्वारा, ये उनके तरफ से दलील दी जाएगी और इसलिए कोर्ट से गुजारिश की जाएगी कि कोर्ट इसमें दखल दे। दूसरी बात ये भी कि अपील में जो आना है, जो उनको समय मिला था, जो कहा गया कि 3 दिन का समय मिला है, अपील में जब वो आएंगे, अब उस अपील में कितनी तेजी से सुनवाई होती है वो अदालतों पर निर्भर करता है, हमारे देश की अदालतें हालांकि वीआईपी मामलों में और राजनीतिक मामलों में थोड़ी तेजी दिखाती है, अगर दिखाई नहीं तेजी नहीं दिखाई होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हुए बयान पर 2023 में इतनी जल्दी तो फैसले नहीं आते। तो इस मामले में कुछ भी कहा जा सकता है, पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव मामला है, राहुल गांधी का मामला है, विपक्ष के नेता का मामला है, तो यहां पर जल्दीबाजी हो सकती है। तो मतलब ये फिलहाल मैं अगर ये कहूं कि कानून की व्यवस्था ये है कि राहुल गांधी 2 साल की सजा मिलते आज उनकी सदस्यता गई। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात दर्शकों को समझने के लिए कि अगर मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के मुताबिक जैसे ही कल सूरत कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई थी वैसे ही उनकी सदस्यता बाय डिफॉल्ट चली गई थी, बस उसमें औपचारिकता बस इतनी थी कि लोकसभा सचिवालय को एक नोटिफिकेशन जारी करना था, वो जैसे कम्युनिकेशन मिला उन्होंने कर दिया। इस पर सवाल उठाने वाले उठाएंगे कि कभी कभी लोकसभा सचिवालय को या विधानसभा सचिवालय को वो नोटिफिकेशन वो समय मिलने पर वो सूचना मिलने में समय लगता है या वो नोटिफिकेशन जारी करने में थोड़ा समय लेते हैं, तो वो बातें अलग की हैं, वो आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं, मैं कानून की बात कर रहा हूं। उस कानून के मुताबिक कल जैसे ही 2 साल की उनकी सजा हुई उसी समय बाय डिफॉल्ट उनकी सदस्यता चली गई सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस के मामले में, जो सुप्रीम कोर्ट का 2013 का फैसला था। तो अब लोकसभा सचिवालय के पास और कोई
विकल्प नहीं था, लोकसभा सचिवालय बहुत कर सकता था। तो जो इतनी जल्दीबाजी दिखाई गई है, जैसा कहा जा रहा है, जल्दीबाजी दिखाई भी गई है, ऐसा दिख भी रहा है, तो लोकसभा सचिवालय बहुत कर सकता था, तो थोड़ा और इंतजार कर सकता था। लेकिन लोकसभा सचिवालय के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अब संवैधानिक व्यवस्था यही थी कि 2 साल से अधिक की सजा होते ही राहुल गांधी की सदस्यता जानी थी और वो चली गई। अब विकल्प के तौर पर यहीं पर जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आएंगे और उनकी सदस्यता जो रद्द हुई है उसको चुनौती देंगे, तो इसी आधार पर चुनौती देंगे कि इसमें उनको अपील करने के लिए कन्विक्शन पर स्टेक करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।